तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे इंतिबा, जो कि रिसाला ब्रांड की तरफ से आता है। बहुत खूबसूरत सा परफ्यूम का क्लोन है और ये भी क्लोन है बहुत महंगे फ्रेग्रेंस का, जो सेलिब्रिटी फ्रेग्रेंस है। इसका नाम है कतर अल अनबर। तो ये भी रिसाला का है। दोनों का फ्रेग्रेंस जानेंगे, कब आप इसे लगा सकते हैं, सारी कुछ बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रेग्रेंस टॉक। इस चैनल पर हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे प्लीज दबा दीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इंतिबा के बारे में। बड़ा ही खूबसूरत सा बॉटल है इसका, जो पैकेजिंग है इसका वो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसे ऑलरेडी ओपन किया था लेकिन आपके सामने इसका पूरा ही बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको शाइनी टेक्सचर देखने को मिलता है। इंतिबा लिखा हुआ है, EDP वर्जन है, 100 ml कॉन्सेंट्रेशन में ये आपको मिलता है। और पीछे आपको स्टर्लिंग परफ्यूम देखने को मिलेगा। स्टर्लिंग परफ्यूम इसे बनाता है, रिसाला ब्रांड का लोगो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। यहाँ होलोग्राम देखने को मिलेगा स्टर्लिंग का, और ये ऊपर भी आपको रिसाला देखने को मिलेगा। इधर बैच कोड और सारी डिटेल्स दी हुई है। जब बॉक्स आप ओपन करते हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा बॉटल आपको देखने को मिलता है। अंदर पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, कोई भी कंप्लेन नहीं है इसकी पैकेजिंग में और कोई भी कंप्लेन नहीं है इसकी बॉटल में। बहुत बढ़िया सा ब्लू कलर का बॉटल आपको देखने को मिलता है और पैकेजिंग लाजवाब है, बॉटल लाजवाब है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कहूँगा, ऑफर अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, FT 200 अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 200 रुपये इंस्टेंटली ऑफ हो जाएगा। नीचे वेबसाइट का लिंक दिया है। इन दोनों फ्रेग्रेंस में से या रिसाला के कोई भी परफ्यूम अभी आपको लेना है तो ओनली 999 रुपीज़ के मिलेंगे, यानी 1000 रुपीज़ का ये फ्रेग्रेंस आपको मिलता है। बिल्कुल बड़ा ही सॉलिड बॉटल आपको देखने को मिलता है। केप प्लास्टिक ही है लेकिन हैवी केप आपको देखने को मिलता है। आप सीधे इसे अप्लाई करते हैं और जैसे ही मैंने इसे फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, मुझे एक फ्रेग्रेंस का इमीडिएटली इसने रिमाइंड करवाया कि किसके जैसा ये स्मेल करता है। रिसाला ब्रांड में मोस्टली क्लोन्स बना रहे हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में क्लोन आपको मिल रहे हैं। जैसे ही आप इसे आप स्प्रे करते हैं तो अमुआज का जो इंटरलूड है सेम उसी की फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। अर्दल जाफरान में भी कोई फ्रेग्रेंसेस हैं और काफ़ी सारे क्लोन्स हैं जो अमुआज का इंटरलूड है उसका, लेकिन बहुत रिफाइन तरीके से बनाया हुआ है। एकदम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फ्रेग्रेंस है। जैसे आप स्प्रे करते हैं, अगर किसी ने वो यूज़ किया है तो इमीडिएटली वो बता देगा कि अमुआज का इंटरलूड क्लोन है। शुरुआत में बहुत हर्बेसियस, थोड़ी सी ग्रीन शार्प टाइप के नोट्स मिलते हैं, हल्का सा आपको बगमो मिलता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बढ़िया सा एम्बर का यूज़ हुआ है, लेदरी टोन का यूज़ हुआ है, पेपरी टोन का यूज़ हुआ है, जो आपको इंटरलूड फ्रेग्रेंस के अंदर मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग टाइप का है, स्पाइसी टाइप का है, लेदरी है। ऊद का बहुत अच्छा सा यूज़ हुआ है पूरे फ्रेग्रेंस में, आपको ऊद भी देखने को मिलता है। ऊद स्पाइसीनेस, लेदरी टाइप का फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा वार्म फ्रेग्रेंस है और थोड़ा सा इंटेंस है, लाउड फ्रेग्रेंस है। तो अगर आपको स्पाइसी खुशबू में पसंद है लेदरी टच के साथ में तो बहुत अच्छा सूट करेगा। और एम्बर का इसमें हल्का सा पाउडरी हिंट भी आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। और बेस में जाते जाते थोड़ा सा वुडी होता है, सैंडलवुड का, और थोड़ा सा पचुली टाइप का ये लगता है। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन है और इसका ये जो स्प्रेयर है ये गोल्डन कलर में आपको देखने को मिलता है। बात कीजिए कब आप इसे लगा सकते हैं, तो अगर आप इवनिंग टाइम में वेयर करना चाहेंगे, आप कहीं आउटडोर जा रहे हैं इवनिंग टाइम में, विंटर के लिए इंटरलूड सबसे बेस्ट माना जाता है। लोग काफ़ी सारे लोग सिग्नेचर सेंट की तरफ से यूज़ करते हैं, लेकिन गर्मियों में कड़ी धूप में ये काम नहीं आएगा, आपका सिर पकड़ सकता है। लेकिन ठंडा माहौल है, AC वियर करना है तो बहुत बढ़िया रहेगा। बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो अभी गर्मियों में मैंने इसे ट्राई किया था और मुझे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका नहीं मिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समर अभी चल रहा है, पीक लेवल पे चल रहा है। इंदौर MP की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला, जो हर किसी को महसूस हो। उसके बाद क्लोज टू स्किन, क्लोज टू क्लोज होता है, तो धीरे धीरे इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि ये अभी हाल ही का बना हुआ बैच है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग है वो जनवरी 2022 का है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा स्टोर करके भी रखना चाहते हैं, 2-4-5 महीने अगर आप इसे रखेंगे और विंटर में या फिर इवनिंग टाइम में जब वियर करेंगे तो बीस्ट मोड परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैच्योर हो जाएगा ये फ्रेग्रेंस और इसकी जो क्वालिटी है। अभी जितनी भी मैंने फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं रिसाला के, ये अभी अभी लॉन्च हुई है ये ब्रांड, और इनकी जो फ्रेग्रेंस क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा दमदार है। हालांकि हल्का सा परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ 3-4-5 महीने में इसका जो परफॉर्मेंस इशू है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, अगर अभी से आप ये ले के रखते हैं तो। आला आला के कई सारे बॉटल्स बिक चुके हैं क्योंकि क्रीड एवेंटस का वो क्लोन है,
तो इसके बारे में अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, इसको रखते हैं एक तरफ और लेते हैं हमारा दूसरा फ्रेग्रेंस। तो दोस्तों अब बात करते हैं कतरत अल अनवर के बारे में। कुछ इस तरीके का इसका पैकेजिंग है, ऊपर रिसाला ब्रांड देखने को मिलता है, बेस में सारा कुछ डिटेल्स देखने को मिलता है। और जब आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको एक ऐसा बॉटल मिलता है जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अगर आप फ्रेग्रेंस कम्युनिटी फॉलो करते हैं। एक सेलिब्रिटी सेंट है जिसका नाम है ओम्ब्रे नोमैड और वो लुई विटॉन का क्लोन है, मतलब लुई विटॉन ब्रांड का एम्ब्रे नोमैड है और उसी का ये क्लोन है। बॉटल सेम उसी की तरह दिखती है और जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम स्मेल किया तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि 20,000 के अराउंड वो फ्रेग्रेंस मिलता है, सेलिब्रिटी फ्रेग्रेंस है और आज तक मुझे उस जैसा क्लोन मिला नहीं था लेकिन ये मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी वीडियोज़ आप देख रहे हैं ये फ्रेक्सटॉक स्टोर पर ही अभी आपको देखने को मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट ये सारे फ्रेग्रेंस जो है ये फ्रेक्सटॉक स्टोर पर ही आपको परचेस करने का मौका मिलेगा। तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, FT200 कोड यूज़ करेंगे तो ₹200 ऑफ हो जाएंगे। बहुत सेक्सी फ्रेग्रेंस है ये भी, थोड़ा सा डार्क थीम रखता है अपने अंदर जैसा कि इसका बॉटल है। थोड़ा सा ये जो ब्राउन कलर का बॉटल है ये थोड़ा सा एशी टाइप का टोन देता है, हल्का सा इसमें इंसेंसी नोट है लेकिन डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा सा ब्लेंड है। रेस्पबेरी का नोट है इसमें जो शुरुआत में इस फ्रेग्रेंस को हल्का सा मूड अपलिफ्ट करने वाला सेंट बनाता है और फिर जब ये हल्का सा टोन डाउन होता है तो इसमें बहुत अच्छा सा वुडीनेस मिलता है आपको स्पाइसीनेस के साथ में। तो जो वुडी है उसमें एगरवुड का आपको नोट मिलेगा और एगरवुड बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है ओम्ब्रे नोमैड जो है, वो एक अलग ही क्लास है, एकदम बिल्कुल क्लास है और सेम वही क्लास आपको फील होता है, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हल्का सा इंसेंसी है, बिर्च का इसमें यूज़ हुआ है जो क्रीड एवेंटस में बिर्च का यूज़ हुआ है कुछ उस तरीके का, हल्का सा स्मोकी थीम देता है इस पूरे फ्रेग्रेंस को और एगरवुड वुडीनेस आपको इसमें मिलता है और रसबरी का हल्का हल्का सा हिंट आपको इसमें मिलता है पूरे फ्रेग्रेंस में। हल्का सा लेदरी टोन ये छोड़ता है बेस में जाते जाते, ये सैंडलवुड टाइप का थोड़ा सा हल्का सा मस्की वुडी लेदरी टाइप का ये फ्रेग्रेंस लगता है लेकिन डीएनए बहुत दमदार डीएनए है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये डीएनए। इसे भी आप इवनिंग टाइम में वियर कर सकते हैं, डे टाइम में भी मैं कहूँगा आप वियर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई समर हीट में नहीं वियर कर सकते हैं इसे और मॉर्निंग टाइम में इवनिंग टाइम में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ओम्ब्रे नोमैड फ्रेग्रेंस स्मेल करने की, सूंघने की, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप इसे हर एक ओकेशन पे लगा सकते हैं, जहाँ आपको जाना है, जहाँ यूज़ करना है वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी बोल्ड है, बोल्ड कैरेक्टर रखते हैं, जिम विम करते हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास अगर आपके अंदर ज़्यादा है, थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट रहते हैं, सीरियस रहते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये आप पे। और अगर आपका ऐसा कैरेक्टर है, थोड़ा सा फनी टाइप का कैरेक्टर है, तो वहाँ ये इतना ज़्यादा आपको सूट नहीं करेगा। बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इसका एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसका एक्सपेक्टेशन रखा था आराम से 7-8 घंटे, क्योंकि शुरू में ये बहुत अच्छा इंटेंस लगता है लेकिन शुरुआत में इसका प्रोजेक्शन तकरीबन 30 मिनट तक का है, उसके बाद में ये 2 से 3 घंटे में क्लोज टू स्किन हो जा रहा है अभी अभी के एनवायरनमेंट में। एकदम क्लियरली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे पर्सनली अभी गर्मियों में यूज़ किया है। इवनिंग टाइम में अगर आप वियर करेंगे, थोड़े से कूल वेयर वेदर में वियर करेंगे तो आराम से मैं समझता हूँ कि 4 से 5 घंटे ये टिक सकता है आपके क्लोथ्स पे। और अगर मेचर करने के लिए रखेंगे, जैसा मैंने बताया 2-4 महीने अगर आप इसे रखते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी आने वाली है क्योंकि फ्रेग्रेंस क्वालिटी अच्छी है, बस परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा मेचर करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों फ्रेग्रेंस का रिव्यू अच्छे से देख पाए होंगे और ज़रूर थोड़ी सी वैल्यू आपको मिली होगी। अगर आपको फ्रेग्रेंस इस टाइप के पसंद है तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।